वेलकम बैक कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। पांच बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपके सामने पेश कर देते हैं। फोकस हमारा सोने पर है जिसमें फेड के अनाउंसमेंट के बाद हमने लगातार गिरावट ही देखी है। फेड ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद सोना फिसलता हुआ दिखा है। घरेलू बाजार में बात करें तो सोने की कीमतों में हमने तकरीबन 200 रुपए की फिलहाल गिरावट आते हुए देख रहे हैं, 46,500 के नीचे ही है। चांदी की बात करें उसने भी सोने का सूट फॉलो किया है, वहां पर भी हमने करेक्शन देखा है। दिन के दौरान हमने एक समय 700 रुपए तक का करेक्शन देखा था, अभी आई थिंक 300-400 रुपए के आसपास की गिरावट चांदी में भी देखने को मिल रही है। दरअसल फेड ने राहत पैकेज में कटौती के संकेत दिए हैं। एक्सपेक्टेड लाइन से पहले टेपरिंग ऑफ नवंबर से देखने को मिलेगी और अगले साल उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती माफ कीजिएगा बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं क्योंकि महंगाई दर को उन्हें काबू में लाना है। तो ये सारी चीजें सोने चांदी को प्रेशियस मेटल्स को पसंद नहीं आई और इसी कारण से करेक्शन दिखा है। हालांकि दूसरी तरफ एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर स्ट्रेंथ हमने कुछ बरकरार देखी। अभी हम ऊपरी स्तरों से हल्का सा प्रेशर देख रहे हैं लेकिन आप अमूमन कह सकते हैं कि कच्चे तेल ने अपने आप को स्टेबल करके रखा हुआ है। ब्रेंट $76 के पार अपने आप को टिकाए हुए है। घरेलू बाजार की बात करें दो हफ्तों में 8% की स्ट्रेंथ देखने को मिली है 5300 के पार। MCX पर कच्चा तेल है। यहाँ पर दरअसल सप्लाई डिमांड का जो फैक्टर है वो एट प्ले है। हमने अमेरिका में जो क्रूड के वीकली सप्लाईज हैं उसमें एक्सपेक्टेड लाइन से कहीं ज्यादा गिरावट आते हुए देखी है, 35 लाख बैरल की गिरावट देखी है जो कि 3 साल में सबसे अधिक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हमने कच्चे तेल को तेजी से भागते हुए देखा। नेचुरल गैस की बात करें अभी तक गैस प्राइसेस के चलते हमने क्रूड को भी भागते हुए देखा था लेकिन नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं 13 साल के ऊपरी स्तर से फिसली हैं। फिलहाल स्क्रीन पर नजर डालिए 1% तक का करेक्शन 354 रुपए के पास है। लेकिन खाने के तेल और कॉटन की अगर बात करें यहाँ पर स्ट्रेंथ है। खाने के तेल तिलहन यहाँ पर हमने जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ देखा है, 6100 के पार इस समय सोयाबीन है। सरसों CPO सोया तेल की बात करें यहाँ पर भी हरे निशान में ट्रेड देखा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल की कीमतों में जो स्ट्रेंथ आई है, लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है उसी का फैक्टर है कि घरेलू बाजार में भी हमने तिलहन और खाने के तेल को चढ़ते देखा है। कॉटन का मैंने जिक्र किया, यहाँ पर भी तेजी है, घरेलू बाजार में 1% की मजबूती है। और कोकुड़ की जिसे हम कॉटन ऑयल सीड केक कहते हैं वो भी 2500 के ऊपर है। आवक में देरी की आशंका है और इसी का फायदा हम देख रहे हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स को मिल रहा है। चलिए अब यहां से रणनीति क्या अपनानी है ये बताने के लिए ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाविक नमस्कार, स्वागत है आपका। जरा बताइए चांदी की कीमतों में हमने सोने की तर्ज पर ही गिरावट देखी है, कैसे मौके बन रहे हैं चांदी में, क्या करें? नमस्कार। देखिए चांदी आज नेगेटिव खुला है और उसके बाद हमने देखा कि लो से थोड़ा और कवर हो चुका है। आई थिंक कल जो फेड की मीटिंग है वो इनफ हो गई तो वो एक ट्रिगर हो गया, तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। तो उसकी वजह से चांदी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 60,500 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 60,000 के स्टॉप लॉस से। ओके, कच्चा तेल है तो स्टेबल लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आया है, इस वक्त क्या किया जाए? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कच्चा तेल भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 53.45 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 53.90 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं 52.80 का। ऑलराइट, मेटल्स की अगर बात करें तो एक दायरे का ट्रेड देखा है। कॉपर में आज हमने देखा लाल निशान में थोड़ा सा कारोबार हो रहा था, एल्युमिनियम को छोड़कर अधिकतर मेटल्स दबाव ही थोड़ा सा झेल रहे हैं, कैसे मौके बन रहे हैं कॉपर में? देखिए आई थिंक जैसे एवरग्रांड का भी अगर देख ओके, भाविक के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लेकिन जो उन्होंने स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की है वो आपकी स्क्रीन पर है। कॉपर में खरीद की रेकमेंडेशन है, वो यही कहना चाह रहे थे कि एवरग्रांड संकट को लेकर जो अब कंसर्न्स थोड़े ईज हुए हैं कुछ मौके बन सकते हैं, खरीद का मौका है 708 के पास, 716 तक का अपसाइड में टारगेट दिख सकता है, 710 के पास ये कमोडिटी है। एल्युमिनियम में भी खरीद की रेकमेंडेशन भाविक की तरफ से निकल कर आई है, सितंबर वायदा खरीदने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें ऊपर ये 236 तक कमोडिटी जाती दिख रही है। इसके अलावा एग्री कमोडिटीज में उन्होंने सीड पर बिकवाली की सलाह दी है NCDX के अक्टूबर वायदा में, उनका मानना है कि 5900 के पास आप इसे सेल करके चले, 5960 का यहां पर स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 5700 का वो आपकी स्क्रीन पर है। तो सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एल्यूमिनियम और ग्वार सीड, ये पांच धमाकेदार रणनीति आपके लिए कमोडिटी मार्केट से निकलकर आती हुई।